हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं DIY हेयर ऑयल रेसिपी, जो मैं घर पे ही मेरे बालों के लिए आसानी से बना सकती हूँ, वही मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उसके लिए लिखने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है, जो चीज़ें हैं, वो मैंने दिखाई है वीडियो में, जैसे कि कोकोनट ऑयल, एलोवेरा लीफ, हिबिस्कस फ्लावर्स, फिनेग्रिक सीड्स एंड अनियन। और अनियन का पार्ट जो है आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो है प्याज की स्मेल बहुत लोगों को पसंद नहीं होती और उसके स्मेल से ही इरिटेशन होने लगती है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो आज तो हम प्याज के साथ ही तेल बनाएंगे। आपको अगर पसंद आया तो आप भी बना लीजिएगा। उसके लिए लगने वाला है एक पैन, उसको पैन को थोड़ा गर्म कर लीजिए। उसके बाद उसमें डालेंगे हम ये कोकोनट ऑयल, और उस कोकोनट ऑयल को थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से प्याज डाल के देखिएगा तेल गर्म हुआ या नहीं। अगर थोड़ा गर्म होता है तो उसके बाद उसमें सारी चीज़ें ऐड कर दीजिएगा और उसको एक साथ पकने दीजिए करीबन 10 मिनट, 10 से 12 मिनट तक, उससे कम नहीं और 15 मिनट से ज़्यादा भी नहीं। तो उसका ये सही टाइम मुझे लगता है जो मैं बनाती हूँ आज तक। तो ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद उसको पकने देने के बाद थोड़ा गैस बंद कर दीजिएगा और उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आपको उसको छान कर यूज़ कर सकते हैं। आप नहाने से पहले 1-2 घंटे लगा सकते हैं, या फिर आप रात को भी उसमें बालों को लगा के छोड़ सकते हैं, ताकि उसका अच्छा रिजल्ट मिले। और ये 5-6 बार यूज़ करने के बाद जब आपको रिजल्ट दिखेगा, तब मेरे चैनल पर आके कमेंट कीजिएगा या फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। और ये तो थी इस तेल की बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है बालों की कुछ, तो आप आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से चीज़ें लगाने से जो फ़ायदा होता है ना, वो ऊपर ही लेवल पे होता है। जिनके बाल अच्छे हैं लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जिनको अंदर से ही प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपको ये ऐसे ऐसी बालों की प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छे से वो इलाज देंगे और आपका सही मात्रा मतलब सही तरीके से इलाज होगा, और साथ ही साथ ये तेल भी लगाने से आपको फायदा होगा। तो आप ये दोनों चीज़ें करके भी आपके बालों को सही कर सकते हैं। बस आज के लिए तो मेरा इतना ही था। तो आप मेरे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा, और रिजल्ट आने के बाद सब्सक्राइब किया तो भी चलेगा। तब तक के लिए चलिए एंजॉय कीजिए।